पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा द्वारा यूथ कांग्रेस को लेकर जारी बयान पर घमासान अब कांग्रेस में भी शुरू हो गया है। यूथ कांग्रेस ने धर्मशाला में बैठक कर संगठन बारे चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आई यूथ कांग्रेस को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुनीष ठाकुर ने की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को लेकर बयानबाजी करने वाले सुधीर शर्मा को एनएसयूआई के एन और यूथ कांग्रेस के वाई तक का ज्ञान नहीं है। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा द्वारा यूथ कांग्रेस को लेकर जारी बयान पर घमासान तेज हो गया है। यूथ कांग्रेस ने धर्मशाला में बैठक कर संगठन के बारे में चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आई यूथ कांग्रेस को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मनीष ठाकुर ने की। पत्रकारों से बातचीत में यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को लेकर बयानबाजी करने वाले सुधीर शर्मा को एनएसयूआई के एन और यूथ कांग्रेस के बाई तक का ज्ञान नहीं है। मनीष ठाकुर ने कहा कि मोदी, शांता कुमार, जयराम हमारे वैचारिक दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस कोई फ्रेंडली मैच नहीं खेलेगी, बल्कि जहां सरकार गलत निर्णय लेगी उसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस प्रदेश स्तर पर बेहतर कार्य कर रही है। सरकार के हर जन विरोधी निर्णय के खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 1.5 साल में युवा कार्यकर्ताओं पर प्रदेश भर में विभिन्न थानों में 45 मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि कांग्रेस नेताओं की इस तरह की बयानबाजी युवा कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने वाली है। धर्मशाला में ब्लॉक कांग्रेस की भाजपा के विरुद्ध की गई पत्र बम कांड रैली को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि एक दिन पूर्व ही हड़बड़ाहट में रैली करनी पड़ी, जबकि युवा कांग्रेस का कार्यक्रम पहले से ही तय था। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे फोन ही नहीं उठाते हैं। मनीष ने धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में किसी युवक को मौका देने की बात कही। देखिए, अब उन्होंने किस मंशा से ये बातें की है और उन्होंने किसके जवाब में कही है, और इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े नेताओं ने ये चीज़ें कही है। लेकिन धरातल में क्या है, आप आज देख रहे होंगे जिस तरह का जोश धर्मशाला यूथ कांग्रेस, मैं भी आया हूँ, पहले कई बार आया हूँ, लेकिन यहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं होते। लेकिन आज जिस तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, और उससे आपको जाहिर होगा कि यूथ कांग्रेस मजबूत है या कमजोर है। आज तक जब से मैंने कार्यभार संभाला है 6 फरवरी 2018 से, आप देख रहे होंगे भी, आप पत्रकार के माध्यम से आप लोग का भी हमारे को बड़ा सपोर्ट रहता है। पिछले 1.5 सालों में 2 बार विधानसभा बैठी है, दोनों बार हमने अलग अलग मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। अभी 26 अगस्त को था, पिछले साल 24 अगस्त को था, हमने हर मुद्दे पर सरकार को घेरा है। और आज का भी हमारा यही उद्देश्य था। 10 दिन पहले हमारा जो टूर है स्टेट का, वो पहले डिक्लेयर हो चुका था, और धर्मशाला की जो बैठक है वो भी 10 दिन पहले डिक्लेयर हो चुकी है। आज हमने माननीय DC के माध्यम से प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना था, जो पत्र बम जो यहाँ पूर्व मंत्री ने जो यहाँ पर किया है उसके खिलाफ हमने वो धरना प्रदर्शन करना था, लेकिन वो हम स्थगित कर रहे, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने उसी मुद्दे को लेकर क्या आवश्यकता आन पड़ी कि एक दिन पहले पैरेलल वो प्रोग्राम कर मुनीष जी, तो वो अगर कुछ कह रहे हैं, अगर उनको यूथ कांग्रेस की सच्चाई जाननी है, तो प्रदेश के जिलों के अलग अलग थाने में आप जाएंगे, जहाँ यूथ कांग्रेस के साथियों पर आज तक 46 मुकदमे पिछले 1.5 सालों में हुए हैं। यूथ कांग्रेस हमेशा सक्रिय भूमिका में रही है। आज से पहले कभी भी किसी सांसद के घर का घेराव नहीं हुआ। हमने सवाल जो आप पूछने के लिए 4 सांसदों के घर में गए, उनसे सवाल जो आप पूछे, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हर जगह हमने धरने प्रदर्शन किए। हम कोई फ्रेंडली मैच खेलने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमारी विरोधी है, जयराम ठाकुर, नरेंद्र मोदी हमारे वैचारिक दुश्मन हैं। अगर वो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अगर वो कुछ गलत निर्णय लेंगे, हम उनके खिलाफ हैं। हम उन नेताओं में से नहीं हैं जो फेसबुक में या दूसरी चीज़ों में फ्रेंडली मैच उनके साथ खेलते हैं, ये बिल्कुल क्लियर। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियाँ।